दाढ़ी का लुक कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ हेयर स्टाइल बताऊंगी जो इजीली कोई भी बना सकता है। हम साइड से थोड़ा सा पार्टीशन निकालेंगे, देन फिर इसको ट्विस्ट करेंगे। थोड़े थोड़े बाल लेके ट्विस्ट करते जाना है। पिन से फिक्स कर दिया हमने इसे, अब हम वैक्यूमिंग करेंगे। आपके बाल आगे से थोड़े थिन हैं तो थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए इसको वैक्यूमिंग करेंगे। वैक्यूमिंग करने के साथ साथ हम हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। कोई भी अच्छे ब्रांड का हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो आप। फ्री हैंड से हम कोम करेंगे, फिर इसको ट्विस्ट करेंगे। थोड़े थोड़े हेयर ऐड करते जाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे। बॉब पिन लेके हम इनको फिक्स कर देंगे। हेयर को दो पार्ट में डिवाइड करना है, फिर इसको ट्विस्ट करना है पूरे लेंथ में, फिर इसको रैप करना है। इसके बाद आप एक बॉब पिन से इसको फिक्स कर दो। ये आप इजीली बना सकते हो, ये बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है। ये हमने फिक्स किया, इसके बाद जो बाकी के हेयर है उनको फिर से ट्विस्ट करना है, फिर इनको हमें रैप करना है। फिक्स करने के बाद हम जितने भी छोटे छोटे हेयर्स हैं उनको हेयर स्प्रे से फिक्स करना है। इस हेयर स्टाइल को डेकोर करने के लिए थोड़े से बीट्स यूज करेंगे। अब हमने हेयर स्टाइल में एक्सेसराइज कर दिया है। अब आप इसके साथ कोई फ्रेश फ्लावर भी लगा सकते हैं, लाइक रोजेस लगा सकते हैं, ऑर्किड लगा सकते हैं, कोई भी फ्रेश फ्लावर। हमने नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए हेयर ओपन किया है, फ्रंट स्टाइल बिल्कुल सेम रखा है। अब इसी के साथ हम एक फिश टेल बनाएंगे जो साड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लुक है। दो पार्ट में हेयर को डिवाइड करना है, उसके बाद में साइड से पत्ती लेयर लेना है, दूसरी साइड में शिफ्ट करना है, दूसरी साइड से फिर लेना है लेयर, फिर उसके दूसरी लेयर में शिफ्ट करना है। एक बॉब पिन लगा दे, इससे होल्ड हो जाएगा अच्छे से। अब हमारी ये फिश टेल रेडी है। थोड़ी सी मैं एक्सेसराइज करूंगी, आप कोई भी एक्सेसरीज ले सकते हो। थोड़ा मैं आर्टिफिशियल फ्लावर ऐड करूंगी मैचिंग। बॉब पिन से सिक्योर कर लूंगी। भी हमारी फिश टेल रेडी है।